एक ऐसे कवि को मित्रों अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ाई में बहुत ही कुशाग, सीए करने के बाद नौकरी मिली, मुंबई चले गए इंदौर से, उसी दौरान पढ़ना नहीं छोड़ा, हालांकि लिखने की लय थोड़ा कम हो गई, वो खुद बताते हैं। उसके बाद सीए के साथ एमबीए का कॉम्बिनेशन, एमबीए किया पूरा और फिर नौकरी में लग गए। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि लिखने की थोड़ी आदत तो कम हुई थी, पढ़ने की आदत कम ना हो जाए समय के कारण उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और फिर लिखने के लिए ही वो मुंबई में रुक गए। करीब करीब सिंगल और गुड़गांव मुक्काबाज जैसी फिल्मों में उन्हें गीत लेखन का काम मिल गया। बहुत ही निर्भीकता के साथ उन्होंने ये पंक्तियां लिखी कि हम गलत कुछ शेर कह के बागियों में आ गए, बहुत ही मर्मस्पर्शी उनकी कविता है। और इन शब्दों के साथ कि बूढ़े बाबा चाँद की कहानी कहते रह गए और नन्हे मुन्ने ने जाकर चाँद छू लिया, इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आप उनके उम्र पर न जाइए, उनके शब्दों पर जाइए, पूरे सम्मान के साथ हुसैन हैदरी साहब को हम आमंत्रित कर रहे हैं उनकी कुछ विशेष प्रस्तुतियों के साथ, कविताओं के साथ। तो मैं कुछ करता है पढ़ता हूँ। जैसे एक होता है ना, जितने भी नेता होते हैं वो अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते हैं, मगर हिंसा जो होती है वो हमेशा अहिंसा के पर्दों में होती है। तो मतलब उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक था छिपकली। कि खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है। खाकी रंग दीवारों पर लटकती गांधी जी की बड़ी सी फोटो के पीछे से दोपहरी में एक लंबी भूरी सी छिपकली निकलती है, रेंग कर खामोशी से इर्द गिर्द फोटो के कष्ट ये लगाती है। और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़कर पास से गुजरता है, धर दबोच लेती है, पंख नोच देती है, मांस चबा जाती है, जिंदा निगल जाती है। फिर बड़े सलीके से जैसे कुछ हुआ ना हो, कोई भी मरा ना हो, रेंगती हुई वापस गांधी जी की फोटो के पीछे लौट जाती है। ये करता थी। और एक मतलब एक जो प्रॉब्लम है, हम मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं कि मतलब जैसे मैं आइडेंटिटी वाइज मतलब रिलीजन देखे तो मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं काफ़ी पॉलिटिकली कुछ उठला सीधा लिख देता हूँ फेसबुक पर। तो कई लोग मतलब जैसे मेरे दोस्त ही कहते हैं कि क्यों लिख रहे हो यार, मत लिखो, न्यूट्रल बने रहो, तुम साइड में रहो ऐसा। तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी फूलझड़ी। तो ये मुक्त छंद है, ये बंद में नहीं है। कि फूलझड़ी, हमसे कहा जाता है कि हम सुतली बम की तरह जोर से फटे नहीं, चकरी की तरह बेफिक्र घूमे नहीं, अनार की तरह आसमान पर चिंगारियां न उछाले, दस हजारी लड़ की तरह सड़कों पर कोलाहल न करें, रॉकेटों की तरह बादलों में सुराख न करें। हमें समझाया जाता है कि हमारा होना है हवा में तैरता हुआ काला धुआं, वायुमंडल में घुलता हुआ जहर, नसों में बारूद का चढ़ता हुआ नशा। हमें एहतियात रखने को कहा जाता है कि हम ना पहुंचाएं किसी फेफड़े को हानि, किसी आंख को जलन, किसी हाथ में छाला, किसी पैर में चुभन। हमें हिदायत दी जाती है कि हम लिपट जाएं लोहे के पतले तारों से और हल्की तड़ तड़ करते हुए बुझ जाएं। हमसे कहा जाता है कि हम फुलझड़ी बने और खामोशी से जलें। तो ये एक कविता थी। और एक ये मॉब लिंचिंग के ऊपर मतलब मुझे था कि अरे ये कैसे हो गए ऐसे लोग कि एक दूसरे को मारने लग गए, ये कहाँ से आया, क्यों आया ये। तो अब जैसे वही जैसे मानवीकरण होता है कविताओं में, तो मैं जानवरीकरण कर देता हूँ छिपकली। तो इस कविता का नाम है भेड़े। कि एक जमाना था जब भेड़े
एक जमाना था जब भेड़े अपने आगे वाली भेड़ों के पुट्ठों में नाक घुसाकर एक झुंड में नाम लिखाकर डगमग चलती पगपग बढ़ती हरी खास से मतलब रखती। भेड़े अब वो भेड़े नहीं हैं, दांत हुए हैं पहने इनके, सींग मगरनाए हैं सर पे, आंखों में है आग दहकती, ऊन की मैली चादर तन पे भेड़े सीखी हैं चिंगारना, झुंड के भीतर झुंड बांटना। मार के बांसुरी वाले गडरिये भेड़े अब सरदार हुई हैं, नरभक्षी बन बैठी हैं ये, बर्बर और खूंखार हुई हैं। भेड़ ही खतरा, भेड़ हिफाजत, भेड़ ही मुजरिम, भेड़ अदालत। भेड़ों ने मैदान छोड़कर घर घर घुसने की ठानी है, भेड़ों ने अब घास त्याग कर खून में रंगने की ठानी है। भेड़ों के सर नशे चढ़े हैं, भेड़े अब ना रुक पानी है। किसने इन भेड़ों को बदला, किसने इन भेड़ों को बदला। ये और जी जी मैं पढ़ूंगा वो। हाँ, तो एक कविता है जो मैंने सिगरेट के ऊपर लिखी थी, सिगरेट की जो लत होती है उसके ऊपर। तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग सिगरेट पीते होंगे, आप लोग अच्छी ऑक्सीजन लेने के आदी हैं हवाओं में, पहाड़ की हवाओं में। तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग पीते होंगे, बट जो पीते होंगे उन्हें शायद पता होगा कि कितनी बुरी चीज है और ये किस तरह एक लत बनती है। तो इस नज्म का नाम है लत। कि मैं पहली बार जब सिगरेट पिया तो यूं लगा मुझको कि जैसे होंठ वाबस्ता थे तंबाकू के चस्के से, कि जैसे मुंह से एक बादल का टुकड़ा फूंक डाला हो, कि जैसे एक ठंडा कोयला सीने में भड़का हो, कि जैसे लाख कश बाकी थे और आगाज किया हो। शुरू की एक दिन में एक से फिर दो तलक पहुंचा, मिली नर्वस हो तो एक दो, कभी बेदार तो एक दो, कभी खुशबाश होकर दस, कभी दिल टूटने पर सौ। निकल के घर से चुपके से किसी अनजान गली में, कभी दारू के साथ तो कभी गांजे के नशे में, घड़ी के कांटे बदले एक सिगरेट एक तीली में। मगर इस जिस्म को धोखा हुआ मालूम न चला, मेरे इन फेफड़ों में कालिखों को इस कदर सोखा के सांसें थम के चलने लग गई शामों सहर मेरी, बदन की हड्डियां दुखने लगी आठों पहर मेरी, चली खासी महीनों तक हलक छिलने लगा हर पल, कि सूखा पड़ गया मांस और लहू जमने लगा हर पल, दांत पीले हो गए और होंठ काले हो गए, खून के गुब्बारों जैसे मुंह में छाले हो गए, प्यास मेरी बढ़ गई और भूख मेरी खट गई, नींद को आंखों से जो बांधे वो डोरी कट गई। मैं पहली बार जब थूका लहू तो यूं लगा मुझको कि इतना खून मुंह से निकले बस फिल्मों में देखा था, ये लाल इतना सियाह क्यों है, ये लाल इतना सियाह क्यों है, क्या ये खून ही है बस, या मेरी आत्मा की कालिखें भी साथ निकली हैं। क्या मुमकिन न था कुछ भी फरिश्तों का ये कहना था, मैं जब चलने के लायक ना रहा तो मेरे घर वाले लुटाने लग गए विरसे हकीमों अस्पतालों पर, अजाने मस्जिदों में दी चढ़े गहने शिवालों पर, उम्मीदों और दुआओं से शिफा की पुरसिशे भी की, किसी जादू किसी टोने से कुछ हो कोशिशें भी की, मगर कुछ भी ना होना था, मुझे एक दिन तो मरना था। मैं शायद नींद से उठा हूं और एक सर्द कमरा है, मेरी आंखों में बेहोशी नहीं साकित अंधेरा है, कलाई की नसों को सुइयों ने चीर डाला है, मेरे सीने में चाकू डाल शायद दिल निकाला है, मेरे बिस्तर के चारों ओर मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे घरवाले छाती पीट सारी रात रोए हैं, मैं अपना कांपता एक हाथ उठाता हूँ मुश्किल से, ये कहता हूँ गुजर के सांसों के दर्दों मराहिल से, खुदा का खौफ खाओ दोस्तों मुझ पर रहम खाओ, लिबासे जिस्म मैला हो चुका मुझसे निकलवाओ, मगर जाते हुए मुझको बस ऐसे अलविदा कह दो, मेरी आखिरी सांसों को आखिरी कश का तोहफा दो, मैं आखिरी बार जब सिगरेट पिया तो खुश हुआ कैसा। तो ये सिगरेट के ऊपर कविता थी, और एक थोड़ी हल्की फुल्की है मगर थोड़ी सी डायरेक्ट पोयम है, मैं वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। तो मैं दो कविताएं पढ़ता हूँ, एक मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा वगैरह पढ़ते रहता हूँ। तो ये खबर आई थी बीच में कि वो 226 फीट का एक झंडा लगना चाहिए देश में, मतलब हर जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहाँ वहाँ। तो मुझे लगा भाई
जो मुद्दे हैं इस देश में वो खत्म हो गए क्या कि अब झंडे लगवाने की बातें हो रही हैं? तो मैंने एक कविता लिखी, मतलब थोड़ी सी तंजिया है, मतलब थोड़ा अग्रेशन है शायद, जो भी कहना है आप। तो कविता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 200 फीट का झंडा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 200 फीट का झंडा, डॉलर को गिरवाएगा ये, काला धन घर लाएगा ये, दाल रोज पकवाएगा ये, बीफ प्लेट घुमवाएगा ये, भक्तों को समझाएगा ये, दंगों को रुकवाएगा ये, टैक्स की बचत कराएगा ये, जनगण मन बजवाएगा ये, देश की गर्दन घोट के दम लेगा केसरिया फंदा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 200 फीट का झंडा, प्राइवेसी पर्दा फाश करेगा, लेस्बियन गे का नाश करेगा, पॉन पे पहला हमला होगा, फिर इंटरनेट सिकुड़ा होगा, वैलेंटाइन पे कपल पिटेंगे, मातृ पितृ प्रेम जनेंगे, उर्दू इंग्लिश जबा घटेगी, नस्ले नया इतिहास पढ़ेंगी, हर एक पिछवाड़े में घुसेगा इस त्रिशूल का डंडा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 200 फीट का झंडा, तुलसी देश की टीचर होगी, नकली डिग्री भूल ही जाइयो, योगा देश का डॉक्टर होगा, पतंजलि के नूडल खाइयो, हर पिक्चर संस्कारी होगी, रामायण के रीरंग रचियो, भूषण पद्म की ललक हो जिसको, इनटॉलरेंस की मार्च पे चलियो, नाश्ते पुतले उगलत जाएंगे जहरीला फंडा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 200 फीट का झंडा, मेक इन इंडिया को अपनाकर तालिबान घर में बनवाया, जो जो हिंदुस्तान न चीखा पाकिस्तान उसे भिजवाया, गंगा जी की सफाई छोड़ो, दिल की कालिख साफ करो जी, हमने तुमको वोट दिया था, कोई ये गलती माफ करो जी, मन की बात कहे कोई और तो पड़े सियासी डंडा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 200 फीट का झंडा। ये एक मैंने कविता लिखी थी, उत्तराखंड में हूँ, मुझे जीवित रहने दीजिएगा। तो एक कविता जो शायद अब मैं एक छोटी सी पढ़ देता हूँ, एक कविता शायद जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो मैं वो एक कविता पढ़ देता हूँ। कि ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि जो मुसलमान है वो एक ही तरह का है, हर मुसलमान एक ही तौर का होता है, हम बहुत जल्दी अलग मान लेते हैं, मतलब कि मुसलमान। और मेरा ये मानना है कि इंसान दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है और इंसानियत ही होती है, और मुसलमान भी जो है अलग अलग तबके के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, आप मतलब कोई भी धर्म का हो वो इंसान ही मैटर करता है। तो वो एक मेरा एक मंशा थी कि, और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तानी ही होते हैं हर मुसलमान, क्योंकि यही जन्म है, मैं लीगली तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, यही का पासपोर्ट है, यही का आधार है, सब कुछ है, मतलब आप लीगली तो मैं सिटीजन ही हूँ हिंदुस्तान का। तो खैर लीगली वाली बात नहीं थी, ये बात शायद मोनोलिथ की थी और मतभेद या जो भी कह लें आप जो है उसको मिटाने की थी। तो इस नज्म का नाम है हिंदुस्तानी मुसलमान की। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो आवाज सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई, मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, मैं खोजा हूं या बहरी हूं, मैं गांव से हूं या शहरी हूं, मैं बागी हूं या सूफी हूं, मैं कौमी हूं या ढोंगी हूं, मैं कैसा मुसलमान हूं भाई, मैं सजदा करने वाला हूं या झटका खाने वाला हूं, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौन से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, कश्मीर से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ, मैं ही हूँ जुड़ाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझमें गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, दारू सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझमें है, एक भूल भुलैया मुझमें है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला में, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मंदिर की चौखट मेरी है,
मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा यीशु के गिरजे मेरे हैं, 100 में से 14 हूँ लेकिन चौड़ाई कम नहीं पड़ते हैं, मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं, मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ, मैं जितना मुसलमान हूँ भाई मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान।